हरे कृष्ण अभिवन, स्वागत है आप सभी का स्काई वे लर्निंग हब पे। तो डिफरेंशिएशन की आज सेकेंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिफरेंशियल कॉफिशियंट निकाला था साइन और कॉस एक्स का, ठीक है। फार्मूले डिराइव कराए थे, डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन होती है उसको पढ़ा था, और जो डी वाई ओवर डी एक्स का फार्मूला निकल के आता है लिमिटिंग केस का, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वहाँ पर हम आगे के डिफरेंशियल कॉफिशियंट निकालेंगे, और यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशियल कॉफिशियंट क्या होता है। हालांकि आप लोगों को पता है n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, बट यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे आप प्रूफ, ठीक। तो प्रूफ में आपको क्या निकालना है, d ओवर dx ऑफ x की पावर n, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो fx होगा, fx हम क्या लेकर के चलेंगे, x की पावर n लेकर के चलेंगे, और जो हमारे पास f ऑफ x प्लस h होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस h की पावर n होगा, ठीक। वी नो दैट, हम क्या डालेंगे, वी नो दैट डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक। ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर इट इम्प्लाइज वाई की जगह हमें क्या लेना है, एक्स की पावर एन लेनी है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एच आएगा, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, एच आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स को बाहर लिया तो एक्स की पावर एन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एच अपॉन एच अपॉन एक्स की पावर एन बन गया, ठीक है। ये एच है, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन अपॉन एच हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एक्स की पावर एन हो गया है हमारे पास कॉमन, और ये बचा है वन प्लस एच अपॉन एक्स की पावर एन और माइनस का वन, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब ये एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, वन प्लस एक्स एक्स अपॉन एच अपॉन एक्स को सपोज दैट हमने कैपिटल एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एच अपॉन एक्स को हमने मान लिया कैपिटल एक्स लेट, तो वन प्लस कैपिटल एक्स की पावर एन टाइप का एक्सपेंशन है। तो हमें पता है कि वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स की पावर एन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा रखा है, वहीं से डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन भी आने चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए, क्लास 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 11 में आप जो कुछ पढ़ के आए हैं, अब छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है और यहाँ पे यूज हो जाएंगी, ठीक है, तो दिक्कत करेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 11 का अब एक और चैप्टर जुड़ गया कि बाइनोमियल थ्योरम, भाई अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा वन प्लस एक्स टाइप का ही मिल जाए। अभी बीएससी में आप आ गए हैं तो आगे चल के आपको ए प्लस एक्स या फिर वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेंशन आ सकते हैं, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बस रटना कुछ नहीं है, आपको समझना है कि कैसे एक्सपेंशन आते हैं। आप एक बार समझ जाएंगे तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी यूज हो आप उसको ईजिली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो एक्स की जगह कैपिटल एक्स रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो देखिए अब हम यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एन, ठीक है। तो वन प्लस इसको माना हमने क्या है, वन प्लस कैपिटल एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस एन सी वन कैपिटल एक्स
प्लस एन सी टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री कैपिटल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन कैपिटल एक्स की पावर एन, ठीक है, और माइनस ये वाला वन, तो ये माइनस वन हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास एच चल रहा है, तो ये वाला प्लस वन और ये वाला माइनस वन, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वन माइनस वन, तो ये क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा एन सी वन, एन सी वन को लिख सकते हैं हम एन, ठीक है, एन अपॉन वन फैक्टोरियल, और कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दीजिए एच अपॉन एक्स, ठीक, प्लस एन सी टू को लिख सकते हैं एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स की पावर थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एन सी एन की वैल्यू होती है वन, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एच अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है आपके पास, एच, डिनोमिनेटर में एच आ गया। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो एन और एच, एन और एच, एन एच एन एच सब में आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप एन एच कॉमन ले लेते हैं, अगर आप एच अपॉन एक्स को ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इन सब में आपको क्या मिल जाएगा, ये लास्ट में बचेगा प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में आपके पास एच अपॉन एक्स और इसकी पावर एन हो जाएगी, ठीक, इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, तो एच अपॉन एक्स आपको कॉमन दिख रहा है तो भाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एन, ठीक है, और ये एच अपॉन एक्स हमने ले लिया कॉमन, ठीक, एक्स अपॉन एच हमने ले लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचा है, एन बचा है, अंदर क्या बचा है आपके पास, एन प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये बचा एच अपॉन एक्स, ठीक, एच अपॉन एक्स, और ये प्लस, इसी तरीके से एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एच अपॉन एक्स की पावर टू बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ऐसे ही चलता चला जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है एच, तो ये वाला एच कैंसल हो गया, ठीक है, और ये एक्स की पावर एन अपॉन एक्स आ रहा है, तो एक्स की पावर एन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये हो जाएगा, और ये एन एन को खैर अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, एन प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच अपॉन एक्स प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक, अब जैसे ही एच की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो गया, और जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, तो ये वाला जीरो, तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एच अपॉन एक्स यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी जीरो बनेगा, यहाँ भी जीरो बनेगा, लास्ट वाले टर्म भी जीरो बन जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए केवल हमारे पास क्या बचा है, ये एन बचा, तो जैसे ही लिमिट की एच अप्रोचेस टू जीरो लगाएंगे तो ये एन टाइम्स एक्स की पावर एन केवल इतना बचेगा, तो यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फार्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा,
तो ये हमने पढ़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्स की पावर एन के बाद आपको ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो कि हमारी होगी क्लास नंबर 3। तो थर्ड क्लास के अंदर हम यहाँ पर ई की पावर एक्स का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क में कीजिए, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।